अरे नहीं आएगा DBS Senior Secondary School, ABG, लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स 100% फर्स्ट डिविजन इन 10th बोर्ड 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स DBS Senior Secondary School, नियर अबीजी फार्म रोड अजमेर लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि कोई किसी बात को लेकर अगर अपना मंतव्य अगर सरकार से भिन्न है या किसी व्यक्ति से भिन्न है तो अपनी अभिव्यक्ति करे। तो NSA के लड़कों ने यह अभिव्यक्ति की है अपनी, शांतिपूर्ण था, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए इन्होंने किया है। पुतला जलाने वाले थे, पुतला इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि चूंकि भारत के प्रधानमंत्री है तो पुतला नहीं जलाएंगे, तो इन्होंने पुतला नहीं जलाया। सर अध्यक्ष साहब ने आरोपी लगा पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, ये तो केवल इनका चौराहे तक जाने का मंतव्य था। और चूंकि चौराहे तक जाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, राजस्थान सरकार ने गृह विभाग ने एक आदेश निकाला था तो चौराहे से जाने से रोका, तो इन्होंने कहा कि कुछ तरह से पुलिस पर दबाव बनाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, शांतिपूर्ण बच्चे अच्छे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने कर दिया। अजमेर NSU द्वारा जिस प्रकार से आए दिन मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के आए दिन रेटें बढ़ाई जा रही है, इस महामारी कोरोना महामारी के चलते एक तरफ मोदी जी को देश के गरीबों का किसानों का मध्यम वर्ग का हित के अंदर फैसले लेने चाहिए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से किसानों खेतीबाड़ी का समय आया है, आए दिन डीजल की रेटें बढ़ाई जा रही है, आज पेट्रोल डीजल 100 के पार होने वाला है, पहली बार इतिहास के अंदर दोनों के रेट बराबर होने वाले हैं, और मोदी इसके ऊपर ना कुछ कहना चाह रहे हैं ना कुछ, और आए दिन डेली के चाहे 1 पैसा बढ़ो चाहे 10 पैसे बढ़ो चाहे 1 रुपये बढ़ो डेली बढ़ाई जा रहे हैं। इसको लेकर के आज हमने शांति पर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथ वसूल की गई, मेरे 2 कलर शर्ट पकड़े गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया जो गलत है, बिल्कुल निंदनीय, हम शांतिपूर्वक एक सर्किट पर चक्कर काट के हम यही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आज मोदी जी का एक हमने एक लड़के को भूत का रूप में भूत का ड्रेस पहनाया, हम कपड़ा पहनाया, किस प्रकार से मोदी जी आज देश की अर्थव्यवस्था को निकल के 70 साल के अंदर कांग्रेस ने किस प्रकार से देश को सींचा, इस ऐसी अर्थव्यवस्था देश की स्थिति पे आई, अच्छी स्थिति पे आई, लेकिन मोदी जी पूरी अर्थव्यवस्था को निकल गया एक राक्षस की तरह, आज GDP गिर रही है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके आज हमने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन को हमने कोऑपरेट किया, उन्होंने मना किया हमारे को, तो हमने उनको कोऑपरेट किया और पुतले हमने नहीं जलाया।